अपने बोल्ड बेबाक बयानों के लिए फेमस एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। वहीं पायल ने कास्टिंग काउच को लेकर भी एक राज खोला है। जी हां, पायल ने कहा है कि उन्होंने भी कास्टिंग काउच का सामना किया है। इतना ही नहीं, पायल ने ये भी कहा कि डायरेक्टर दिबाकर बनर्जी ने कास्टिंग काउच करने की कोशिश की थी। पायल, शायद ये जो अगला सवाल मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों से मिलता जुलता होगा, शायद मैं कुछ और भी आंसर चाह रहा हूँगा आपके अनुभवों का। क्या कभी आपको नेपोटिज्म, गैंगिज्म, ग्रुपिज्म या इस तरह की किसी अन्य तरह परेशानियों का सामना करना पड़ा? जी हाँ, मैंने कास्टिंग काउच का सामना किया है। दैट इज माय इंसिडेंट एंड एक्सपीरियंस विद दिवाकर बैनर्जी, जिसके ऊपर मैंने बोला, खुलकर बोला मी टू कैंपेन के पहले। मी टू कैंपेन के पहले कोई बोलता नहीं था क्योंकि सबको लगता था कि करियर खत्म हो जाएगा, जैसे ममता कुलकर्णी का खत्म हो गया, उसका खत्म हो गया, उसका खत्म हो गया, क्योंकि जो वाइसेस होते हैं वो इंडस्ट्री में आज पैदा नहीं हुए, वे बरसों से चलते हुए आ रहे हैं। आज खाली लोग इसके ऊपर खुलकर बात कर रहे हैं, मगर मीटू कैंपेन में जिस तरह से लेडीज ने, एक्ट्रेसेस ने खुलकर बात करी, वैसे उस समय मेरे टाइम पे किसी ने बात नहीं करी। इनफैक्ट सारे डायरेक्टर्स एक साइड हो गए, ये जो अवार्ड वापसी गैंग है, अनुराग कश्यप, दिवाकर बैनर्जी, सुधीर मिश्रा, एकता कपूर तक, सब एक वो दिवाकर बैनर्जी को साइड करने लगे कि नहीं, वो तो बहुत अच्छा आदमी है, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता। अच्छा, अगर वो अच्छा आदमी है, वो ऐसा कर नहीं सकता, तो मैंने उसके ऊपर आरोप लगाया, वो मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल करे ना, अगर वो सच्चा है और मैं झूठी हूँ। नहीं, उसमें हिम्मत नहीं है डिफेमेशन का केस फाइल करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका और जो चिट्ठा पिट्ठा है वो बाहर आएगा। So people have tried to support these scums, and that is how the industry has been working. मगर Me Too के बाद obviously थोड़ा professionalism आ गया है, auditions लोग online लेने लगे हैं, casting directors का जो गलत व्यवहार था वो भी बंद होने लगा है, क्योंकि मुकेश छाबड़ा जो एक दूसरे casting agent थे director बनने से पहले, उनका नाम भी जुड़ा हुआ था with lot of other kind of activities, and that is why सुनने में आया है कि he had to evict the bungalow where he was functioning as his office, which was owned by Sunil Shetty. तो ये सब casting agents भी obviously बहुत तरह की गलत गलत चीजें करते हैं। तो जी हाँ, मैंने भी आपके सवाल का जवाब देती हूँ, मैंने भी face किया है nepotism. Obviously जब मुझे अगर कुछ role मिलने वाला होगा, अगर मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया होगा, कोई और अभिनेत्री ने ले लिया होगा, बिकॉज वो स्टार सन या स्टार डॉटर होगी, ये तो आपको पता चल जाता है जब आलिया भट्ट की भी इंटरव्यू आप अभी सुनते हैं राजीव मसंद के साथ, कि वो कैसे कहती है कि कोई और एक्ट्रेस कंसिडर हो रही थी डियर जिंदगी के लिए और मैं गई और मैंने वो रोल ले लिया। तो ये नेपोटिज्म तो हो रहा है, इट्स जस्ट दैट वी डोंट नो अबाउट इट, वी डिड नॉट नो अबाउट इट पहले, अब खुलकर लोग बात कर रहे हैं। कास्टिंग काउच का तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, ग्रुपिज्म के बारे में मैंने आपको शानू शर्मा का एग्जांपल दिला दिया कि वो ऑब्वियसली नहीं चाहती थी कि मैं यशराज बैनर में काम करूं, तो मेरा उसका मिलने के बाद 5,000 रुपए देने के बाद, मतलब दिस इज अबाउट 10-15 इयर्स बैक, उसने मुझे एक ऑडिशन के लिए भी नहीं बुलाया, बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट मी टू इवन पास एन ऑडिशन, बिकॉज अगर ऑडिशन पास हो जाता तो मैं वो कैंप में घुस जाती, एंड शी डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क विद मी। सो दिस इज वॉट कैंपिज्म इज ऑल अबाउट।